और वाराणसी से बड़ी खबर, गंगा पर बन रहा पुल टूटकर गिर गया है। पुल का एक हिस्सा टूटकर गंगा में गिरा है। पुल पर काम कर रहे 3 मजदूर के गंगा में डूब गए हैं। रामनगर के सामने घाट को जोड़ने वाला है पुल। पुल टूटने से मजदूरों में हड़कंप मच गया है। रात में बिना संसाधनों के पुल पर काम हो रहा था, उसी बीच पुल टूटने से हादसा हो गया है। 3 मजदूरों के डूबने की खबर है इस हादसे में। बता दें आपको कि देर रात बिना संसाधनों के काम किया जा रहा था, पुल का निर्माण किया जा रहा था, और इसी बीच ये हादसा हो गया। ये दुर्घटना घट गई जिसमें पुल गिरने से, नदी में पुल गिर गया, गंगा में पुल गिर गया, जिसमें 3 मजदूरों के डूबने की खबर है। और ये हादसा हुआ जब रात में बिना संसाधनों के पुल का निर्माण किया जा रहा था। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इसी पुल की, जो गंगा नदी में गिरा है, टूटकर गिर गया रात को। इस पर जो मजदूर काम कर रहे थे उनमें से 3 मजदूर गंगा में डूब भी गए हैं। देर रात काम हो रहा था और बिना पूरे संसाधनों के काम हो रहा था, जो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजू श्रीवास्तव जुड़ गए फोन लाइन पर। राजू, इतनी बड़ी लापरवाही है, बिना संसाधनों के काम हो रहा था, कितने लोग इसमें क्षति पहुंची है, कितने लोगों को? देखिए, अभी तक प्रशासन जो रेस्क्यू था वो पूरी तरीके से नहीं चला पाया। अब दिन हो चुके हैं तो अब रेस्क्यू जल पुलिस के माध्यम से रेस्क्यू चलाया जाएगा। जो नीचे पूरा एक सेटरिंग का पूरा एक गंगा में भाग चला गया था पुल का, उसके नीचे अब खोजने का काम किया जाएगा। से पहले उसको हटाया जाएगा, देखा जाएगा कि उसके नीचे कितने लोग फंसे थे, कितने लोग गए थे। फिलहाल जो 4 से 5 मजदूर अभी तक लापता हैं, जो कल रात को उस पे काम कर रहे थे, 50 में से 4 से 5 मजदूर अभी तक गायब हैं, जिसकी अभी तक कोई सूचना किसी को नहीं मिल पाई है। फिलहाल अब दिन हो चुका है तो रेस्क्यू चलाकर जल्द से जल्द जल पुलिस और NDRF की टीम उन लोगों को खोजेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजू तमाम जानकारी के लिए।